हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सियाज फैक्ट वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मस्ती भरी फैक्ट वीडियो। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम क्या था, यह सवाल पूछने पर 90% लोग अपने बचपन के दिनों को ही याद करेंगे। बचपन के वो दिन, स्कूल की वो यादें, इन सब को याद करके ही हमारे चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और उन दिनों की याद में हम डूब से जाते हैं। अगर आप अभी भी स्कूल में पढ़ते हो तो आपके यह दिन बहुत ही रोचक भरे हैं। स्कूल के दिनों में सब सोचते थे कि बड़े हो जाए, और अब बड़े होकर सब सोचते हैं कि स्कूल के दिन बहुत ही अच्छे थे। अगर फ्रेंड्स को बता दें कि किसी भी स्कूल की लाइफ एक सी नहीं होती। कुछ लोगों की स्कूल लाइफ हमारी स्कूल लाइफ से बहुत ही डिफरेंट रही है, और वह लोग अपने स्कूल के दिनों को याद नहीं करते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर साउथ कोरिया के लोगों को ही ले लीजिए, क्योंकि इस देश के स्कूल यहाँ के लोगों से भी ज़्यादा अजीबोगरीब है, और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि आप सर खुजाते ही रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साउथ कोरिया के स्कूल में फॉलो किए जाने वाले 10 अजीबोगरीब रूल, जिनको जानने के बाद आप लोग कभी भी स्कूल के नाम पर नखरे नहीं करेंगे। नंबर 1, एक्स्ट्रा क्लासेज। हिस्ट्री, मैथ, साइंस जैसी एक्स्ट्रा क्लासेज जब होती थी तो हम सब अपनी घड़ी की तरफ देखते रहते थे कि कब पीरियड खत्म हो और कब हम घर जाएं। बस यही ख्याल रहता था हमारे दिमाग में। स्कूल की छुट्टी होती थी 1 या 2 बजे, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा क्लासेज होती थी तो सभी यही सोचते थे कि कब छुट्टी हो और कब हम घर जाएं। उसके बाद 4:30 बजे तक हमें पढ़ाई से मुक्त हो जाते थे, और उसके बाद क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते थे। लेकिन साउथ कोरिया के बच्चों का स्कूल रूटीन पूछे तो कुछ अलग ही है। इनका स्कूल शुरू होता है सुबह 8:30 बजे और ख़त्म होता है 2 बजे से 3 बजे। उसके बाद उन्हें कई एक्स्ट्रा क्लासेस, कई ट्यूशन भी अटेंड करने पड़ते हैं, जो कि उन्हें कंपलसरी होता है। जी हाँ दोस्तों, कई हाई स्कूल का शेड्यूल तो इतना टफ होता है कि उन्हें घर पहुँचते पहुँचते रात के 8 से 10 भी बज जाते हैं, और इतना तो हमें कंपनी में भी काम नहीं करवाया जाता। नंबर 2, स्कूल ऑन सैटरडे। स्कूल के दिनों में हम पूरा हफ्ता सिर्फ संडे का वेट करते हुए गुजार देते हैं। सैटरडे को जब स्कूल से आते हैं तो सब में एक अलग ही एनर्जी होती है, मगर यह खुशी साउथ कोरिया के बच्चों को नसीब नहीं होती, क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल संडे को भी खुले होते हैं। साउथ कोरिया का हर एक स्कूल ऑफिशियली संडे तक खुला रहता है, ना ही सेकेंड सैटरडे की छुट्टी, ना ही थर्ड सैटरडे की छुट्टी, और ना ही एक्स्ट्रा क्लासेज की छुट्टी। नंबर 3, टीचर चेंज एवरी 5 ईयर। आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपका छोटा भाई भी अगर उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो कई टीचर आपको उससे कंपैरिजन भी करते हैं। कई टीचर ऐसे भी हैं जो कि हमारे भाई बहन और यहाँ तक कि मम्मी पापा तक को भी पढ़ाया है। ऐसा कई बार होता है कि वह टीचर अभी हमें भी पढ़ा रहा है। ऐसा साउथ कोरिया में असंभव है। साउथ कोरिया में हर 5 साल के बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य टीचरों को एक लॉटरी निकालनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें यह डिसाइड होता है कि नेक्स्ट स्कूल कौन सा मिलेगा। साउथ कोरिया में हर 5 साल बाद स्कूल चेंज करना पड़ता है। कोई भी टीचर एक स्कूल में 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। नंबर 5, स्कूल स्लीपर्स। हमारे घर पर जब भी कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे के पास अपने फुटवेयर उतारना मैनर्स माने जाते हैं। साउथ कोरिया में भी इसी कंडीशन को फॉलो किया जाता है, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर। यह काम उनको घर पर ही नहीं बल्कि स्कूल में भी फॉलो करना पड़ता है। बच्चे स्कूल में जाने के बाद स्कूल के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारकर अपने स्लीपर्स पहनते हैं, जब तक कि उनके घर जाने का टाइम नहीं होता। नंबर 6, स्टूडेंट क्लीन एवरीथिंग। स्कूल के बच्चे गंदगी फैलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। हमारे स्कूलों में लंच के बाद ग्राउंड की हालत देखने लायक हो जाती है। हमारे यहाँ पर स्कूलों में इस सफाई के लिए चपरासी वगैरह होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में बच्चे अपनी स्कूल की साफ सफाई खुद करते हैं। साउथ कोरिया में भी सफाई वाले होते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक बाथरूम के लिए। नंबर 7, क्लासरूम कैंडिडेट। साउथ कोरियन बच्चों को 10 से 12 घंटे क्लासरूम में बिताने के बाद भी क्लास में यौन करना तक अलाउड नहीं। उनका मानना है कि एक बच्चा क्लास में यौन करता है, यानी कि उबासी लेता है, तो वह क्लास में अनइंटरेस्टेड है। और तो और, यहाँ पर हमारी स्कूलों में ट्यूशन पूछना इनक्रेज किया जाता है। यहाँ पर स्कूलों में क्लास के बीच ट्यूशन पूछना टीचर्स को डिस्टर्ब करना माना जाता है। क्लास के बाद स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वह अपने ट्यूशन पहुँच सके, लेकिन क्लास के बीच में किसी भी प्रकार का ट्यूशन पूछना अलाउड नहीं है। नंबर 1, स्कूल लंच। दोस्तों, हर बच्चे का फेवरेट पीरियड होता है लंच पीरियड। वह सुनहरे पल, यहाँ पर हर बच्चा एक दूसरे का लंच खाता है। जब कोई बच्चा कैंटीन जाता है तो उसके पीछे पीछे बच्चों की लाइन लग जाती है। लेकिन आपको बता दें, साउथ कोरिया में सिस्टम कुछ थोड़ा अलग है। यहाँ के स्कूलों में खाना बच्चों को स्कूल में ही मिलता है, और यह खाना बिल्कुल घर जैसा और हेल्दी होता है। राइस, मीट, वेजिटेबल्स के अलावा भी कई अन्य हेल्दी फूड खाने को मिलते हैं। नंबर 9, टॉयलेट पेपर। जो कंट्री टॉयलेट में पानी वेस्ट नहीं करती तो वह टॉयलेट पेपर वेस्ट करती
करती है, जैसे कि यूएस, जापान जैसी कई कंट्री टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करती हैं। वहाँ के स्कूल में भी टॉयलेट पेपर होते हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट टॉयलेट पेपर को ही यूज करते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूलों में एक बहुत ही अजीबोगरीब रूल है जो कि यह है कि यहाँ पर बच्चों को खुद अपना टॉयलेट पेपर घर से लाना पड़ता है। जी हाँ, ताकि स्कूल के टॉयलेट पेपर रोल वेस्ट ना हो। नंबर 10, ऑल टीचर। हमारी लाइफ के अंदर गुरु की रेस्पेक्ट हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा करते हैं और टीचर एक्चुअली में होते भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन साउथ कोरिया की स्कूल जितनी टफ है उतनी ही ज्यादा टीचर की रेस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। जहाँ पर टीचर्स की रिटायरमेंट की उम्र 50-55 साल की होती है, यहाँ पर टीचर की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल के लगभग है। यहाँ पर टीचर जितना सीनियर होगा उसको सैलरी और बेनिफिट्स भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं। यह टीचर्स के लिए बहुत इंकरेजिंग है। इसी के साथ होता है आज का अपना यह वीडियो एंड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।